वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरां की कृपा द्वारा अज आपां जपजी साहब जी विचार शुरू करन जा रहे हैं। पहला मूल मंत्र नानक होशी भी तक विचार करांगे। गुरु कृपा करे फिर इस तरह अगे जिवें जिवें सतगुरु की सेवा रहेंगे आपां निभावांगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो पहला शब्द है एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। विद्वाना दे कथन अनुसार पंजाब दे विच एक शहर है सुल्तानपुर लोधी। इस स्थान ते श्री गुरु नानक देव जी लम्मा समा अपना जीवन बतीत करते रहे, क्योंकि सुल्तानपुर लोधी श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी भैन बेबे नानकी जी भाई जय राम जी नाल व्याही हुई सी। उथे गुरु नानक देव जी तकरीबन 16 साल की उम्र च आ गए से। फिर बहुत सारा लम्मा समा उथे रहे, गुरमु का प्रचार करते रहे, भगती करते रहे, तो हर रोज़ बेई नदी में इनान कर जाते। जिस थां दे राही, जिस घाट दे राही, जिस पौड़ियां दे राही गुरु नानक देव जी बेई नदी में बढ़ते उत्थे इनान करते, उत्थे एक गुरुद्वारा साहब बनिया होया है जिहदा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल है। उस पवित्र स्थान का नाम है गुरुद्वारा संत घाट। उत्थे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक भवन उसारण किया गया, उसका नाम भी रखा एक ओंकार भवन। भाव उस स्थान ते गुरु नानक देव जी स्नान करने लई बड़े ने, 3 दिन अलोप रहे। 3 दिन तो बाद जदों उस स्थान ते बेईने दे कंडे फिर प्रगट होए, उत्थे उन्होंने तकरीबन 1498 दे विच इह शब्द उच्चारण किया जिस नूं सिख पंथ ने मूल मंत्र का नाम दिता है। अते गुरु अर्जन देव जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब संपादना होई सब तो पहला मुढ़ दे विच यही शब्द दर्ज किया, जिस बारे गुरु नानक देव जी ने उस परमात्मा वाहिगुरू जी के गुण बयान किए ने। एक ओंकार इसका भाव है पताल धरती आकाश चंद सूरज तारे हवा पानी वनस्पति कीड़े पतंगे पंछी पशु मनुखी समाज दी रचना करन वाला परमात्मा वाहिगुरु एक है। एक परमात्मा वाहिगुरु ही सारी सृष्टि की पैदाइश करता है, पालना करता है, सिंगार करता है।
सृष्टि रच के परमात्मा वाहिगुरू आप सृष्टि विच रमिया होया है। जिवें गुरु नानक देव जी ने धनासरी राग विच बयान किया है, सब मह जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मह चानण होए। जिवें गुरु नानक देव जी ने आसा जी वार विच जिक्र किया है, जात मह जोत, जोत मह जाता। सृष्टि विच परमात्मा है, सृष्टि परमात्मा विच है, इस करके ये सारी सृष्टि नू चलाउण वाला, बनाउण वाला, पालन वाला, रखियक समेटण वाला एक है। वो अहंकार, वो प्रकाश रूप है। परमात्मा वाहिगुरु एक ओंकार सदीवी रहण वाला है। सतनाम एक ओंकार, वाहिगुरु जी का पवित्र नाम सतनाम है। गुरबाणी में जिक्र आया है, सतनाम तेरा परा पूर बला। मैनू ये समझ आई है ये कि सब तो पहला परमात्मा का नाम सतनाम है। इहदा भाव भी है, भाव है कि जो सत्या वाला, जो होंद वाला, जो कदे नाश नहीं हुंदा। हुण मेरे दादे पड़दादियां दा नाम भुल गए, इस तरह होर बड़े बड़े राजे महाराज नाम अलोप हो जांदे ने, पर परमात्मा वाहिगुरु दा नाम सच्चा है, शक्तिशाली है, सत्या वाला है, नाश अलोप नहीं हुंदा, सदवी रहण वाला है सतनाम। करता पुरख, श्री गुरु नानक देव जी कहिंदे भाई एक ओंकार वाहिगुरु सारे सृष्टि का है, तो सारे सृष्टि दे विच व्यापक है। जिवें गुरबाणी विच पढ़दे आपां, अंतर वसे बाहर पीओ ही, सद सुनदा सद वेखदा सद रहा भरपूर। ये भी कहा कि अंदर खोजै तत लहै पाए मोख द्वार। वो अंदर बाहर रमया होया, पर मनुख नूं लभदा कित्थों है? गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की सिक्ख्या लैके मनुख नूं अपने अंदरों ही परमात्मा का दीदार हो जाता है। गुरसाखी जोत प्रगट होए, वो एक ओंकार वाहिगुरु प्रगट हो के अपने सेवक नूं दर्शन भी दिंदा है। वो सारी सृष्टि का करता है, सारे में रमया होया है। निरभाओ, उहनूं किसी का डर नहीं, डर तो रहत है। वो इन्ना तकड़ा है, इन्ना शक्तिशाली है, एडा वड्डा है, उहदे जिहड़ा होर कोई नहीं, उहनूं कोई डरा नहीं सकता। इस करके गुरु नानक देव जी ने जिक्र किया है कि परमात्मा डर तो रहत, भाव तो रहत, निरभाव है, निर्वैर। वो प्यार का सोमा है, वो किसी नाल भी वैर नहीं करता, हमेशा वो दया का घर है, दया करता रहता है। जदों भी कोई अपनी निम्रता दिखा के परमात्मा नूं ध्यांदा है, परमात्मा उत्थे ही उहदी रक्षा करदा है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाय, वो ऐसा परमात्मा वाहिगुरू दयालु कृपालु बख्शिंद है, किसी नाल बैर नहीं करदा। गुरु नानक देव जी ने जिक्र किया है निर्वैर, एक ओंकार वाहिगुरू वैर तो रहत, निर्वैर है। अकाल मूरत, उहदी हस्ती, उहदी होंद, उहदी मूरत उपर काल का कोई असर नहीं। भावें दिन होवे, भावें रात होवे, भावें जीव बुढ़ापे च होवे, जवानी च होवे, बचपन च होवे, उहदे उत्ते कोई असर नहीं, ना बचपन का, ना जवानी का, ना बुढ़ापे का, ते ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना दुख का, ना सुख का, ना सवेर का, ना शाम का। उहदे लई सूरज चढ़े ना चढ़े, उहदे ते कोई असर नहीं। गुरु जी कहिंदे ने
ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਆਜੂਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉਂ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨੀ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੋਂ ਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ, ਨਿਗੂਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਗੁਰਾ, ਸੋ ਨਿਗੂਰਾ ਜੋ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ, ਨਿਗੂਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵੜਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੋਰੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੀ? 1 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, 2 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, 40 ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਮਾਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ?
चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले। जे तिस नजर न आवे, जे परमात्मा की निगाह में नहीं आया तो बात ना पूछा के अगे गया जी, भी कोई बात नहीं पूछता भी हाँ एडा वड्डा राजा एडी वड्डी लंबर लंबी उम्र भोग के आया। नहीं, जिहड़ा गुरु दे राही परमात्मा का नाम जप के जाता है, अपने सुरत ध्यान प्रीत रब के चरणों नाल जोड़ के जाता है, उस बारे जिक्र है। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव का खिताब दिता गया है। सो गुरप्रसाद ये सारी कृपा गुरु दे राही हुंदी है। अगे बाणी का नाम है जप, जो सत्कार आ गया जप जी साहिब। हुण अगे श्लोक आ गया जप जी साहिब का, पहला श्लोक उहदे भी जिक्र आउंदा है, आद सच जुगाद सच एक ओंकार वाहिगुरु सृष्टि रचण दे आद विच भी कैम सी प्रकाश सी होंद वाला सी। जदों जोशी लोगों ने पढ़े लिखे सियाने लोगों ने संसार विच विचरन लई एक तरीका अपनाया, समय की वंड की जिन्हों असी सिकिंट मिनट घंटा पहर आदि हफ्ता महीना साल करके गिनती मिनती करते समय ने। जदों ये युग बनाए परमात्मा वाहिगुरु एक ओंकार जी उदों भी कैम सन, आदि सच जुगाद सच है भी सच। श्री गुरु नानक देव जी कहते परमात्मा हूँ भी सच्चा कैम है, वो सद सुनदा सद वेखदा सद रहा भरपूर का जिक्र आता है। नानक होशी भी सच, सतगुरु जी कहते भाई सतसंग जी एक ओंकार वाहगुरु अगे लई भी मौजूद रहेगा, होंद वाला रहेगा, सुते प्रकाश रहेगा। आज इतनी बेनती प्रवान कर रही हूँ, भुलों की खिमा। सतगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद जिन्होंने यह जरिया बनाया है। सो इतनी बेनतियाँ करदा विचारा करद हुई भुलों की खिमा। बुलाओ फतेह, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।